नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में दबंग भू माफिया के खिलाफ जगदीशपुरा निवासी पीड़ित ओमवती का परिवार बुधवार को खुलकर सामने आया है। ओमवती ने मीडिया को बताया कि मेरे पड़ोसी सुरेश चंद्र सोनी, रमेश चंद्र सोनी और इनका समस्त परिवार, जो कि यह समाजवादी पार्टी के गुंडे और भू माफिया हैं, इन्होंने जबरन मेरे घर पर कैमरे लगा दिए हैं। इसके कारण हमें नहाने धोने में परेशानी होती है। उन्होंने मुझे दो झूठे मुकदमे में फंसा दिया है, जिसमें मुझे मेरी पुत्रवधू और दोनों पुत्रों को जमानत करानी पड़ी है। मैं ठेले पर केले बेचकर अपने घर का भरण पोषण करती हूं। मेरा एक पुत्र रिक्शा चलाता और एक पुत्र मजदूरी करता है। पीड़िता ने बताया कि दबंग किसी भी तरह से मेरे परिवार को घर से निकालना चाहते हैं, जिसमें एक विधायक की आड़ लेकर के मुझे अन्य मुकदमों में फंसाना चाहते हैं। भू माफिया किसी भी मेरी व मेरे पुत्रों की हत्या कर जमीन हड़पना चाहते हैं। जनपद में सोनी परिवार पर हत्या एवं गंभीर धाराओं में जनपद के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। मैं सही हूं, सोनी परिवार गलत है, इसलिए आगरा पुलिस व प्रशासन ने मुझे समय समय पर सहयोग किया है। मैं सोनी परिवार से बहुत भयभीत हूं, अतः इस प्रकरण की जाँच कर मुझे न्याय दिलाया जाए। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगी। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। मामला ये है कि मेरी जगह 500 गज, तो वो कहता है कि ये जगह मैंने खरीद ली है, इसको खाली कर, रमेश चंद सोनी। और हम कहते हैं कि तैने कहाँ से खरीद ली, हमारे पास कागज है। तो जो कहता है साली तुझे मारूंगा, तेरे बच्चों की वो करवा दूंगा कारवास। और आज दिन हमें परेशान करता रहता है। मेरा पति खत्म हो गया, 27 साल का बेटा खेरिया मोड़ पे खत्म हुआ, अच्छा गया था घर पे, वो खत्म हुआ उसी दिन से। जयान ने इतनी अतकी कर दी है कि हमारा जीना हराम कर दो है। जमीन वो मेरे नाम थी, हाँ, प्रमोद सावर मेरे मिलवे वारे इनके आदमी के, हाँ उनके नाम कर दी थी मैंने, दोनों के नाम करी अपने पति के। चौक बुझे मुझे मारने डोल रहे थे, तो मैंने दोनों के नाम कर दी, पति के और विजय सिंह के नाम कर दी अपने पति। ठीक है, प्रमोद ते मो कोई मतलब ना बाने, तो 8-10 साल हो गई मेरी रजिस्ट्री करा, वो एक दिन में ही नहीं आया। किसके वहाँ पे जो कैंट पे विधायक है, वो इनकी मदद करता है। धर्मेंद्र वो विधायक है, क्या है इतने, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, सो सबका याद रखे, हम खुद ही घर से ही परेशान है। आए दिन जे परेशान करता है, जे बत्ती वाला सुरेश चंद सोनी, इनके घर में जज जे वकील है, तो उनकी धमकी दे दे के जो कहते हैं साली तू क्या करेगी, तू हमसे लड़ लेगी मुकदमा में, नहीं हम तो नहीं लड़ेंगे तुमते। मगर अब क्या हुआ है, नरेंद्र ये हुआ है, हमारी जगह को ये सोनी वाले रमेश चंद सोनी हड़पने की सोच रहे हैं। और हमें उनके जैसे हमारी जमीन तो हो गई हमारे नाम, तो जो हमें उनके सीधे केस में भेजते रहते हैं लगा के अपनी, और इनके घर में जज पाजा और वकील है, तो जो अपने आप केस वेस बना के हमें उठवा देते हैं घर से। जमीन है 500 गज और ये जमीन है जगदीशपुर पे, हाँ हमारे नानी नानन की ही है, इनके बड़े नानन की जिंदगी। और इनके कोई विधायक है धर्मेश विधायक है कैंट के, इनकी वो दे रहे हैं साथ, हमने ये धर्मेंद्र सागर को बेची है। बेचने में तो हमारी हमारी मम्मी ने बेची थी पिताजी के नाम में, और उनके जो मुझे नहीं मालूम, जो हमारे पिताजी ने बेची थी मुझे नहीं मालूम। ये सोनी वाले करते हैं जी, ये हमें जो सोनी वाले में नाम बस दो उनका बताया, जे रमेश और जे सनी संजू और जे तुम्हारे जे वो हैं बेंदर जी सोनी है, वो इनके वे हमें परेशान करने नहीं आते, इनका साथ देते हैं, वो बस यही उठवा देते हैं। कल जो हुआ था कल नहीं हुआ था, ये उस दिन हुआ था, हमें उठा के ले गए थे, उस दिन उठा के ले गए थे जे हमें छत्ता थाने में, तो वहां पे कह रहे थे तुम बंदूक लेके डोलते हो और तुम गोली मारो, और मेरे लड़के पे वो वीरेंद्र पे
हमला किया है और तेरा भाई टम्पू चलाता है। हमारे पास रजिस्ट्री है सब, रजिस्ट्री है, खतौनी है, सब खतौनी नहीं है, टैक्स वैक्स के सब है, घर पे है। रमेश चंद सोनी नेता बेटा साइकिल वाले जे पहले खड़े हुए थे, अब नहीं मालूम वहाँ खड़े होते। क्या बात है, आपका क्या नाम है, आप क्या बात, क्या मामला है? उम्मती नाम है मेरा, हमें झूठे केसन में रमेश चंद सोनी और ये लोग मिलकर नहीं हमारे फंसाते है, हमारी दो डबे हमारी बोका केले की ठेल लगाते है, हम कहाँ से जमानत करवा, कहाँ से लाकर हमारी मदद करवाओ, हम बहुत गरीब आदमी है, तीन टप्पर डरी वो भी हमारी छीन ले गया, कि हम नहीं डरेगा। पानी विधायक तुम्हारे कैंट के हैं, विधायक नाम बताओ, विधायक हमारे नाम की नहीं पता, इनके रिश्तेदार के घर के पूरे नाम नहीं मालूम है, मैंने कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। तो विधायक क्या कहते हैं, इनका साथ देते हैं, जेली पहुंचाने कागज तैयार हो गए, हमने किसी को मदद मांगी, ये लोग अपनी जमीन का दावा कर रहे हैं, तो आपका कोई रजिस्ट्री है या उनके पास रजिस्ट्री है? क्या हमारे पास रजिस्ट्री है, कितने समय पहले की है? 10 साल हो गए। आपको जेल भेज दिया, जब तक होगा 2 महीना एक भी नियम उनका खत्म हो, मेरा कहीं बेटा 27 साल का, उसके बाद भी इसने हमारे जैसे के जैसे हमारे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।